हेलो एवरीवन, मैं नीतीश, आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रिक। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों, एमटीएस का फॉर्म जो है ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, इस कॉन्टैक्ट डिटेल कैसे फिल करेंगे, फोटो कैसे अपलोड करेंगे और पेमेंट का प्रोसेस जो है वहां तक मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन कैसे अप्लाई करेंगे। ज़्यादा ना समय लेते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे कि मैंने ssc.nic.in जो है पोर्टल वो ओपन कर रखा है। यहाँ आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे या रजिस्ट्रेशन पे जो है वहाँ पे क्लिक करके आप ओपन करेंगे तो आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। उसके नीचे जो है आप न्यू यूजर या रजिस्टर नाउ करेंगे तो आपको जो है ओपन होके एक फॉर्म आएगा, बेसिक डिटेल फॉर्म ओपन होगा। बेसिक डिटेल में आपको पूछा जाता है डू यू हैव आधार कार्ड, यदि आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो यस डालना है, नहीं है तो नो डालना है। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर डालना है। फिर से जो है आपसे पूछा जाएगा वेरीफाई आधार नंबर, फिर से जो है आपको आधार नंबर डालना है अपना। इनकेस आपके पास आधार कार्ड नहीं है, यदि आप नो सेलेक्ट करते हैं तो फिर टाइप ऑफ आईडी, वोटर आईडी आप दे रहे हैं, ड्राइव लाइसेंस, फिर आईडी नंबर डालना है वो आपको सिलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग। फिर आपको नाम डालना है जो भी आपका नाम हो 10th मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो है वो नाम नेम में जो है आप गड़बड़ ना करें। तो यहाँ पे मैंने नाम जो है वो अंजित कुमार डाला है। फिर से जो है आपसे पूछा जाता है वेरीफाई नेम, फिर से जो है आपका नाम जो है वो री एंटर करना रहता है, तो फिर से मैंने यहाँ पे अंजित कुमार डाला है। फिर पूछा जा रहा है हाउ यू एवर चेंज, सॉरी हैव यू एवर चेंज नेम, आपने कभी नाम चेंज करवाया, यस या नो, यदि करवाया है तो चेंज किया हुआ नाम जो है वो नीचे डालना। फिर पूछा जा रहा है आपका फादर्स नेम श्याम सुंदर, यहाँ पे मैंने श्याम सुंदर डाला। फिर से वेरीफाई फादर नेम, फिर से जो है आपका फादर का नाम वो डालना है, फिर से मैं डाल रहा हूँ श्याम सुंदर। फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि मदर्स नेम, आपका जो भी मदर्स नेम है मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग वो डालना है, मैं यहाँ पे प्रीति देवी वो डाल रहा हूँ। उसके बाद फिर से पूछा जा रहा है वेरीफाई मदर्स नेम, जो नीचे है कॉलम उसमें जो है आपको डालना है फिर से मदर्स नेम प्रीति देवी। फिर आपसे पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, जो भी होगा आपका डेट ऑफ बर्थ वो भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो होगा वही डालना है, 15/6/1995, यहाँ पे मेरा स्लैश छूट रहा, 15/6/1995। फिर से आपको वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ 15/6/1995, आप किस बोर्ड से पास हुए हैं वो आपको डालना है, जैसे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे बिहार बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। उसके बाद आपसे फिर से पूछा जा रहा है वेरीफाई एजुकेशनल बोर्ड, फिर से मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका 10th में रोल नंबर कितना था, जो भी मार्कशीट पे रोल नंबर होगा वो डालना है यहाँ पे, जैसे मैंने 014107 वो है वो डाल दिया है। फिर आपको जो है वेरीफाई रोल नंबर, फिर से आपको जो है रोल नंबर वो आपको डालना है। फिर जो आपसे पूछा जा रहा है पासिंग ईयर, अब फिर से आपसे पूछा जा रहा पासिंग ईयर, आप कब पास किए, 2012 मैं यहाँ डाल रहा हूँ। फिर वेरीफाई पासिंग ईयर वो डालना है, फिर आप कौन से जेंडर है, मेल, मैं यहाँ मेल डाल रहा हूँ। फिर से वेरीफाई जेंडर, फिर से मैं मेल डाल रहा हूँ। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास कितनी डिग्रियाँ हैं, आपने जैसे मास्टर डिग्री किया, ग्रेजुएशन किया, PhD किया तो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ईमेल आईडी बोला जा रहा है,
सॉरी मोबाइल नंबर, अपना जो है मोबाइल नंबर वो डालना जिस पे आपको ओटीपी आएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ अपना डाल रहा हूँ, आप अपना डालेंगे। फिर आपको पूछा जा रहा है वेरीफाई मोबाइल नंबर, फिर से आपको मोबाइल नंबर डालना। उसके बाद जो है आपको ईमेल आईडी डालना अपना जिस पे आपको ओटीपी और रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, इन केस आपके मोबाइल पे नहीं आया या आपके रेफरेंस के लिए वहाँ पे आपका सुरक्षित रहेगा। तो मैंने यहाँ अपना ईमेल आईडी डाला है nitish9175@gmail.com, आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है परमानेंट आधार, आपका कौन सा स्टेट है वो डालना, किस स्टेट से। फिर जो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे या सेव कर देंगे, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सेव करने के बाद आपके डिस्प्ले पे एक पॉपअप आएगा, एक विंडो आएगा जिस पे जो लिखा हुआ है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो वेरीफाई करें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज टेलिंग विच यू डेटा वुड बी एडिशनल डिलीटेड, प्लीज चेक बोथ इनबॉक्स एंड स्पैम फोल्डर फॉर योर ईमेल। यहाँ पे आप अपना जो भी डेटा डालें उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन ये डिटेल जो है वो शेयर किया जाएगा, आप अपना जो है इनबॉक्स और स्पैम दोनों देख सकते हैं कि कहाँ पे मेल आया है। इसको मैंने ओके कर दिया कन्फर्मेशन जो है पॉपअप के बाद, उसके बाद क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और आपके मोबाइल नंबर और इस पर भेज दिया गया है, उसको क्लोज करेंगे। फिर आपका जो है लॉगिन का पेज वो ओपन होगा, आपके मोबाइल पे जो है लॉगिन आईडी और एक ओटीपी जो है टेम्प्रोरी वो आया होगा। जब आप वो डाल के फिर पासवर्ड डालते हैं, फिर कैप्चर डालते हैं, लॉगिन करते हैं, तो आपको ओपन होके एक विंडो ओपन होता है जिसमें आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दिया जाता है। ओल्ड पासवर्ड जो है आपको मोबाइल पे आया होगा, मेल पे आया होगा, वो डालिए। न्यू पासवर्ड आपको जो डालना है, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद आप स्पेशल लेटर भी यूज कर सकते हैं जैसे @ या फिर .com _, और फिर जो है न्यूमरिक जो है वो भी यूज करना। इस तरह मैच करके आप पासवर्ड नया बना के लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद जो है आपको सक्सेसफुली पासवर्ड चेंज का एक नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप वहां पे लॉगिन करेंगे तो आपका जो नया पासवर्ड चेंज किया फिर वो और रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चर डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन में आपको फिर बेसिक डिटेल आएगा ओपन होके, बेसिक डिटेल में आपको कुछ एडिट करना है तो वहां से आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है नया विंडो ओपन होके आएगा। एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो नया विंडो ओपन होके आएगा उसमें आपको एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है। एडिशनल में आपको जो सबसे पहला ऑप्शन है आप किस कैटेगरी से है, जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी है आपको वो डालना है। फिर से जो है आपको वेरीफाई जेंडर, वेरीफाई कैटेगरी, फिर से आपको डालना है आप जेंडर हैं, ओबीसी है, एसटी है, एससी है। फिर आपको डालना है नेशनलिटी, सिटीजन ऑफ इंडिया, यदि इंडिया के, इंडिया से बाहर है तो वो आपको ऑप्शन चूज करना है। फिर आपको डालना है कि आपके पहचान जो है वो क्या, आपके मार्क्स जो है आइडेंटिटी मार्क्स वो आपको डालना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे मैंने यहाँ डाला है ए मोल मार्क्स ऑन द लेफ्ट ईयर, आपको जो भी होगा कट मार्क जो भी हो वो आप डाल सकते हैं। ए पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, यदि है तो येस, नहीं है तो नहीं। फिर आपको यदि है तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे दिया गया है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। जो नेक्स्ट ऑप्शन है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर वो डालना है, फिर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, फिर स्टेट डालना है आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जिला, पिन कोड आपको डालना है, और जो ऊपर आपने डाला है वो नीचे जो है परमानेंट एड्रेस है वहीं पे आप रहते हैं या कहीं और रहते हैं, तो यदि वहीं रहते हैं तो यस, यदि नहीं रहते हैं नो। ये डिटेल जो है एड्रेस वो फिलअप करने के बाद आप सेव करके फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको जो है स्कैन कॉपी और फोटो का जो है वो कॉलम आएगा। यहाँ पे आप अपना फोटो और सिग्नेचर जो है स्कैन किया हुआ वो डाउनलोड कर सकते हैं, आपको JPG फॉर्मेट में करना है। 20 KB से जो 50 KB
उसके बीच होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर जो है आपका 10 KB से 20 KB होना चाहिए, वो भी JPEG फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में। ये दोनों आप अपलोड कर देंगे, उसके बाद सेव ड्राफ्ट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको पेमेंट का प्रोसेस आएगा, आप ऑनलाइन थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं चालान के थ्रू, जैसे भी है आप पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।